नेक्स्ट प्रोग्राम हाउ टू रिमूविंग अ गिवन कैरेक्टर फ्रॉम अ लास्ट ऑकरेंस। सपोज दैट कोई भी कैरेक्टर मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है, ओनली वन टाइम रिपीट हुआ, देन इस केस में जस्ट रिमूव कौन सा ऑकरेंस कराना, जस्ट लास्ट ऑकरेंस। प्रीवियस सेशन मैंने प्रोवाइड क्या किया था, हाउ टू रिमूविंग गिवन कैरेक्टर फॉर अ फर्स्ट ऑकरेंस और बिगिनिंग ऑकरेंस। इसे अगर आपको फर्स्ट ऑकरेंस के लिए बोला जाता है, देन आप स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर को सर्च करोगे लेफ्ट टू राइट, और लास्ट ऑकरेंस आपको कब मिलेगा, लास्ट टाइम। तो लास्ट टाइम इसे आपके लिए बेटर केस क्या रहेगा, शिफ्टिंग इसे सर्चिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और सर्चिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सर्चिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर राइट टू लेफ्ट आप किसी भी कैरेक्टर को विजिट करते हैं तो जो भी फर्स्ट टाइम मिलेगा वो क्या रहेगा, जस्ट लास्ट ऑकरेंस, और लेफ्ट टू राइट विजिट करो देन फर्स्ट ऑकरेंस क्या रहेगा, फर्स्ट ऑकरेंस। क्लियर। देन इस केस में जस्ट ऑपरेशन प्रोवाइड कराना, हाउ टू रिमूविंग लास्ट ऑकरेंस ऑफ अ गिवन कैरेक्टर। अगेन मैं सेम एग्जांपल यूज कर रहा हूँ, जस्ट प्रीवियस केस मैंने यूज किया था स्ट्रिंग एज रजत। रजत के केस में जस्ट कैरेक्टर ए को अगर आप कॉन्सल्टेट करोगे, कैरेक्टर ए इटसेल्फ कितनी बार रिपीट हुआ, टू टाइम्स। तो जस्ट मुझे रिमूव क्या कराना है, लास्ट ऑकरेंस ऑफ रजत। अगर आप रजत का फर्स्ट ऑकरेंस रिमूव करा देन फर्स्ट ऑकरेंस रिमूव होने के जस्ट बाद रिमूव क्या हो जाएगा, ए इटसेल्फ, देन रिमेनिंग स्ट्रिंग क्या रहेगा आपके पास, जस्ट आर जे ए टी। तो आर के केस में कोई भी चेंज नहीं, क्योंकि आर के केस में प्रीवियस केस में आर का इंडेक्स क्या है, 0, 1, 2, 3, 4। लेकिन रिमूव होने के बाद जैसे इस केस में ए रिमूव हो जाएगा, देन चेक कर सकते हो आर का इंडेक्स अभी भी क्या है, सेम एज प्रीवियस। लेकिन जे का इंडेक्स प्रीवियस केस में क्या था, 2, करेंट केस में क्या है, 1, ए का इंडेक्स क्या है, 2, और टी का इंडेक्स क्या है, जस्ट 3। इसे इंडेक्सेस कहाँ चेक हुए, चेंज हुए, राइट एंड पोजिशन, मीन्स कैरेक्टर्स अवेलेबल ऑन द राइट साइड। मिसेस केस में जस्ट अगर ए का लास्ट ऑकरेंस रिमूव कराना, तो लास्ट ऑकरेंस के केस में जस्ट आपको परफॉर्म क्या कराना होगा, लास्ट ऑकरेंस के केस में एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या रहेगा, मिसेस केस में जस्ट रिमूव क्या हुआ, लास्ट ऑकरेंस ऑफ ए, मीन्स दैट वन, मीन्स थर्ड इंडेक्स। तो इस केस में आर ए जे में कोई भी चेंज होंगे, नो चेंज, ओनली ए को रिप्लेस कराना, तो ए किस से रिप्लेस हो जाएगा, जस्ट टी से, तो ए के प्लेस पर क्या जाएगा, टी। क्लियर। दिस इज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन केस ऑफ लास्ट ऑकरेंस। तो लास्ट ऑकरेंस के केस में सबसे पहले आप फर्स्ट ऑपरेशन क्या रहेगा, लास्ट ऑकरेंस के अंदर आप स्ट्रिंग को लेफ्ट टू राइट सर्च कराओ, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, और राइट टू लेफ्ट आपको कैसे पता चलेगा, राइट कैरेक्टर है, लास्ट कैरेक्टर किस पोजिशन में अवेलेबल है, तो लास्ट कैरेक्टर का ऑलवेज पोजिशन क्या हुआ, लेंथ माइनस वन। इस स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, 5, और लास्ट कैरेक्टर एल का, सॉरी टी का इंडेक्स क्या है, एज ए 4, मीन्स 5 माइनस 1 इज 4। तो आपको सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अभी तक प्रीवियस ऑपरेशन आपको लेंथ रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन इसके साथ रिक्वायर्ड क्या हुआ, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। देन अगर आपके पास मीन्स लेफ्ट टू राइट ब्रीड करना, लेफ्ट टू राइट के केस में तो आप श्योर हो फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स ऑलवेज क्या होता है, 0, लेकिन लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग डिपेंड करेगा, मीन्स डायनेमिक चेंजेबल, इसलिए लास्ट इंडेक्स और लास्ट एलिमेंट किस इंडेक्स में हुआ, जस्ट बिफोर नल कैरेक्टर। तो नल के केस में नल का पोजिशन फाइंड आउट करो यूजिंग लेंथ ऑपरेशन। सेकेंड केस, जैसे आपको गिवन कैरेक्टर मैच हो, सॉरी लेंथ मिल जाता, लेंथ के बाद जस्ट आपके लिए गिवन कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर राइट टू लेफ्ट सर्च करना पॉसिबल है, तो सेकेंड ऑपरेशन क्या रहेगा, जस्ट सर्च ऑपरेशन, सर्चिंग गिवन कैरेक्टर, मीन्स अगर गिवन कैरेक्टर एग्जिस्टिंग हुआ देन ओनली रिमूव करना पॉसिबल है, और सर्च कहाँ से कराना, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। नेक्स्ट वन, जैसे सर्च होता है ना इसके जस्ट बाद, इसके बाद राइट मीन्स सर्चिंग कैरेक्टर के बाद में जितने भी कैरेक्टर हैं वो सारे कैरेक्टर प्रीवियस पोजिशन में शिफ्ट हो जाएंगे। चेक कर सकते हो टी का एग्जिस्टिंग पोजिशन क्या था, 4, और न्यू पोजिशन इस केस में क्या है, टी का, जस्ट 3। क्लियर। तो इस केस में थर्ड ऑपरेशन क्या रहेगा, जस्ट अप्लाइंग डेटा शिफ्ट ऑपरेशंस। प्रीवियस सेशन में मैं लेंथ ऑपरेशन आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ, शिफ्ट ऑपरेशंस ऑल्सो कंप्लीट करा चुका हूँ, यहाँ आपको परफॉर्म क्या कराना, सर्च ऑपरेशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो इस केस में जस्ट मैं फंक्शन के लिए सोर्स कोड इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, void main, सॉरी void remove last, which occurrence, removing last occurrence। इस केस में फर्स्ट इनपुट में क्या रिक्वायर्ड है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को असाइन करने के लिए यूज करेंगे अगेन कैरेक्टर पॉइंटर s। सेकेंड आर्गुमेंट क्या पास करोगे, रिमूविंग कैरेक्टर, ओनली सिंगल कैरेक्टर ch। नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप क्या है, कैलकुलेटिंग लेंथ, लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए जस्ट लूप मैनेज करेंगे, और लूप को मैनेज करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ, इटरेटिव वेरिएबल i, प्लस लेंथ को स्टोर कराने के लिए यूज क्या करोगे, इस केस में जस्ट सेपरेट वेरिएबल एज लेंथ। नेक्स्ट वन, फर्स्ट टाइम है, सबसे पहले इंप्लीमेंट क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेटिंग लेंथ, लेंथ को मैनेज करने के लिए जस्ट यूज करेंगे डमी लूप, इसे स्ट्रिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक विजिट कराओगे, ट्रेवर्स करोगे,
जब तक एस ऑफ आई नल नहीं हो जाता है आई प्लस प्लस। इसके बाद जैसे ही लूप टर्मिनेट होगा तो आई इटसेल्फ क्या रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो लेंथ को आसान किस में करा लेंगे, सेपरेट वेरिएबल लेंथ में, लेंथ इक्वल्स टू आई। देखा जाए तो इसके इसमें लेंथ वेरिएबल सेपरेटली डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने सेपरेट डिक्लेरेशन प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट वन, लेंथ कैलकुलेट होने के बाद नेक्स्ट टाइम आपको परफॉर्म क्या कराना, सर्च ऑपरेशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट सर्च ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए आई में क्या आसान कराएंगे, जस्ट फोर। लेंथ अगर फाइव है तो आई का वैल्यू क्या होगा, फोर। जस्ट आसान क्या करा हुए, आई इक्वल्स टू लेंथ माइनस वन, आई इक्वल्स टू लेंथ माइनस वन। वन मोर थिंग्स, रजत के केस में जस्ट आर ए जे ए टी एंड नल, इंडेक्स क्या है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव। तो राइट टू लेफ्ट विजिट करें तो इस केस में लास्ट एलिमेंट मीन्स राइट टू लेफ्ट आपको लास्ट एलिमेंट किस इंडेक्स में लेगा, जीरो। तो कब तक विजिट करना, जब तक आई का वैल्यू जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा है, क्लियर। दूसरा केस आप जस्ट परफॉर्म क्या करो, सर्च ऑपरेशन। सर्च ऑपरेशन मीन्स एवरी टाइम कैरेक्टर एरे के सभी एलिमेंट को मैच किस से कराओगे, सी एस से। कब तक मैच कराना, जब तक मैचिंग फाउंड नहीं होता है, जब तक नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड सी एच नॉट इक्वल्स टू एस ऑफ आई। जब तक ये दोनों ही कंडीशन ट्रू हैं तब तक आपको लूप इटरेट करना है, प्लस राइट टू लेफ्ट इटरेट करना। फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या था, फोर, नेक्स्ट टाइम थ्री, नेक्स्ट टाइम टू, नेक्स्ट टाइम वन, देन जीरो, देन आई में एवरी टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट। इसलिए अप्लाई क्या करोगे, आई माइनस माइनस, क्लियर। नेक्स्ट वन, जैसे ही लूप टर्मिनेट हुआ देन आई प्रॉपर प्लेस पर अवेलेबल होगा, लेकिन इस केस में हो सकता है गिवन कैरेक्टर नॉन एग्जिस्टिंग हो। अगर गिवन कैरेक्टर नॉन एग्जिस्टिंग है देन ये किसी से भी मैच नहीं हो रहा, उस केस में आई का वैल्यू क्या हो चुका हुआ, जस्ट माइनस वन। तो आई का वैल्यू माइनस वन हो जाएगा, देन ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ फर्स्ट कंडीशन। तो इस केस में कंट्रोल बाहर आया और आई का वैल्यू माइनस वन फाउंड हो रहा है, देन आपको शिफ्ट करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो शिफ्ट कब कराना है, जब आई का वैल्यू माइनस वन ना हो, मीन्स आई जीरो से बड़ा हो या जीरो से इक्वल हो, और आई नॉट इक्वल्स टू माइनस वन। तो इस केस में पहले इफ कंडीशन अप्लाई करोगे, प्रीवियस केस में इफ कंडीशन में जस्ट प्रोवाइड क्या किया था, एस ऑफ आई मीन्स नल कंडीशन। प्रीवियस केस में शिफ्टिंग कब करना था, अगर आई का वैल्यू आई नल को रिप्रेजेंट कर, लेकिन इस केस में शिफ्टिंग कब करा, जब आई माइनस को वन, माइनस वन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, देन इस केस में कंडीशन क्या हो जाएगा, एस ऑफ आई, सॉरी ओनली आई, I is greater than or equals to zero। अगर I का वैल्यू जीरो से बड़ा है देन ओनली आपको परफॉर्म कराना है, या जीरो के इक्वल है। देन शिफ्टिंग ऑपरेशन के लिए जस्ट अप्लाई क्या करोगे, लूप I, I में आपको इनिशियलाइजेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि I ऑलरेडी प्री मीन्स प्रॉपर प्लेस पर अवेलेबल है। राइट टू लेफ्ट के अकॉर्डिंग I का करंट वैल्यू करा हुआ समथिंग थ्री, तो थर्ड इंडेक्स में कॉपी क्या कराना, नेक्स्ट एलिमेंट। तो सी प्लेस से कंटिन्यू करना है, इस केस में थर्ड इंडेक्स में आसान क्या हुआ, फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट, और फिफ्थ इंडेक्स का एलिमेंट आसान किस में हुआ, जस्ट प्रीवियस फोर्थ इंडेक्स। तो इसे ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जस्ट डायरेक्टली परफॉर्म क्या कराएंगे, एस ऑफ आई इक्वल्स टू एस ऑफ आई प्लस वन, एग्जैक्टली सेम एज प्रीवियस ऑपरेशन। देन एवरी टाइम आई में इंक्रीमेंट हुआ देन आई प्लस प्लस, क्लोज दिस लूप। देन ये लूप ऑटोमेटिकली कंसिडर किया जाए पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ इफ, देन क्लोज दिस। मीन्स इसे लॉजिक्स के थ्रू जस्ट किसी भी कैरेक्टर के लास्ट ऑकरेंस को रिप्लेस या रिमूव कराना पॉसिबल है, क्लियर। देन मेन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जस्ट स्टेप्स क्या होंगे, मेन के रिस्पेक्ट में प्रोवाइडिंग स्ट्रिंग डिक्लेरेशंस, प्लस इसके इसमें फंक्शन को कॉल करने के लिए टू इनपुट्स रिक्वायर्ड हैं, स्ट्रिंग कॉमा कैरेक्टर। इसलिए मेन के अंदर टू इनपुट सप्लाई करने के लिए वेरिएबल्स भी कितने प्रोवाइड करें, टू वेरिएबल डिक्लेरेशन, स्ट्रिंग एस विद इनिशियल साइज एच 100 एंड कैरेक्टर सी एच। दोनों का ही वैल्यू कीबोर्ड से रीड कराएंगे यूजिंग गेट्स और गेट्स फंक्शन। गेट्स के थ्रू पहले मैंने स्ट्रिंग को रीड करा लिया, देन कैरेक्टर को रीड कराने के लिए यूज क्या करोगे, सी एच इक्वल्स टू गेट कैर फंक्शन। इसके एफ प्लस की जरूरत नहीं, अदरवाइज आप गेट्स के जस्ट बाद कॉल क्या कर सकते हो, एफ प्लस। एफ प्लस किस केस में रिक्वायर्ड नहीं हुआ, अगर आप पहले स्ट्रिंग रीड कर रहे हो देन अदर टाइप्स ऑफ इनपुट, देन आपके लिए एफ प्लस कॉल करना कंपलसरी, अदरवाइज इस बफर से एग्जिस्टिंग डेटा रीड कर ले। लेकिन गेट्स फंक्शन बफर ऑलरेडी सारे के सारे कैरेक्टर रीड कर चुका है, इसलिए एफ प्लस को कॉल करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल। देन नेक्स्ट वन, कैरेक्टर रीड कराने के बाद आप कॉल क्या कर सकते हो, रिमूव लास्ट।
रिमूव लास्ट, रिमूव किससे कराना है, स्ट्रिंग एस सी, किस कैरेक्टर को रिमूव कराना, सी एच को, देन फाइनली डिस्प्लेइंग ओरिजिनल स्ट्रिंग यूजिंग पुट्स फंक्शन, क्लियर, और स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग लास्ट ऑकरेंस। इस लॉजिक्स के थ्रू जस्ट गिवन कैरेक्टर की लास्ट ऑकरेंस को रिमूव कराना पॉसिबल है।